ही देता हूँ। 5 जावास्क्रिप्ट मैंने बना दिया, एक टैग मेरा बन गया। मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज कर ही दिया हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, लिख देता हूँ DOM, डोम माने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOCU डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका क्या लेना देना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और पेस्ट करके रन कर दूँगा। तो मेरा जो ब्राउज़र दिखाई दे रहा है आपको ना, वो जो ब्राउज़र में जो ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर बुकमार्क वाला सेक्शन है इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है आपको, यही है डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्ट मॉडल से क्या ले मतलब है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसी का ऑब्जेक्ट है और वही कहलाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे मैं कंसोल पे आया, मैंने आपको बताया है कि कंसोल पे आकर के, ब्राउजर के कंसोल पे, और कोई भी आप JS का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो देखते हैं जो है मैं क्या करूंगा कि कंसोल पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट लिखा तो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक ब्राउजर में कुछ, क्या कौन सा कलर है ये, जो भी कलर है, एक सिलेक्टेड कलर आ गया ना, तो इसी को कहेंगे डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट यही हट गया, तो डॉक्यूमेंट यही है, जितना सिलेक्ट हुआ है मेरा यही डॉक्यूमेंट है। तो इतना डॉक्यूमेंट लिखना मतलब ये ब्राउजर में जो सिलेक्टेड पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है, ब्राउजर में जो सिलेक्टेड पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है जावा स्क्रिप्ट के भाषा में। तो क्या आप लिखेंगे, डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो अब जो भी आपको मैनुपुलेशन करना है, जो भी काम करना है ब्राउजर में, ब्राउजर के डॉक्यूमेंट में, वो इसी डॉक्यूमेंट पे आप डॉट लगाएंगे तो बहुत सारे आपको मेथड मिलेंगे और इस मेथड को आप कॉल करेंगे तो आप जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बेस यूआरआई है, बेस यूआरआई जैसे ही मैंने लिखा तो क्या हुआ, ये देख लीजिए, पूरा यूआरएल मेरा आ गया यहाँ पे। अब जैसे डॉट लोकेशन है, लोकेशन लिखूंगा तो ये देखिए, ये देखिए पूरा लोकेशन आ गया। तो यही चीजें हैं डॉक्यूमेंट का मतलब। जैसे अपेंड है, अपेंड में मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, एंटर किया तो क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट में मैं सीधा तो अपेंड नहीं करूंगा, अभी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेगा, उस एलिमेंट में मैं अपेंड करूंगा। तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, या फिर और मैं सरल शब्दों में कहूँ तो ये जो भी दिख रहा है ना HTML, जो भी HTML यहाँ पे लिखा जाएगा ये सब आएगा डॉम के अंदर, यही है डॉक्यूमेंट। जो भी HTML में कोड लिखा है यही है डॉक्यूमेंट हमारा। तो इसमें जितना भी इस HTML कोड पे रन टाइम पे जावा स्क्रिप्ट के मदद से जो भी मैनुपुलेशन करना है, जो भी चेंजेस करना है, आप चाहते हैं कि ये टाइटल के अंदर क्या लिखा है, 15.javascript, इसके जगह पे नहीं कुछ और लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे आप, डायनामिक लिख देंगे, किससे, जावा स्क्रिप्ट की मदद से। आप चाहते हैं कि ये टाइटल हो ही मत, गायब कर दे, गायब कर देंगे आप। या फिर जैसे मैं p एक ठो एलिमेंट बनाता हूँ, मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे p एलिमेंट बनाऊ, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक क्यों लग गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि p के अंदर, मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर, ये जो नाम लिखा मैंने, ये नाम के जगह पे कुछ और लिख दूँ, तो मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता हूँ।
या फिर मैं चाहता हूं कि जैसे प्रोग्राम चले तो रन टाइम पे ये पैराग्राफ क्रिएट हो, रन टाइम पे जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से ये पैराग्राफ टाइप क्रिएट होगा और उसमें ये अपेंड हो जाएगा। और जैसे ही ये एलिमेंट पूरा क्रिएट होगा, इसको हम चाहेंगे तो इस बॉडी के अंदर अपेंड कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी CSS आती है तो हम जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में, जावा स्क्रिप्ट के भाषा में हम इसमें CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, जितना भी इसके रिलेटेड काम करना है वो सारा काम किससे हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट से। डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट का मतलब डॉक्यूमेंट लिखा, ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट हो गया है। जैसे डॉक्यूमेंट पे हमको ब्राउजर पे कुछ प्रिंट करना है, ब्राउजर पे कुछ दिखाना है, तो क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूंगा और यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा जावा स्क्रिप्ट, और इसको रन कर दूंगा तो देखिएगा जावा स्क्रिप्ट आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप प्रिंट कर देंगे ब्राउजर में। तो डॉक्यूमेंट का मेथड क्या था, राइट, राइट मेथड के माध्यम से हमने प्रिंट कर लिया यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि नाम मैंने तो लिखा, लेकिन इसमें अलाइनमेंट नाम का एक एट्रीब्यूट दिया मैंने यहाँ पे, और एट्रीब्यूट देने के बाद मैंने क्या करा, एलिमेंट दे दिया सेंटर, सेंटर दे दिया, सेव किया। अभी देखिए नेम किधर आ रहा है, किनारे पे आ रहा है, लेकिन इधर सेंटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, अलाइनमेंट में लिख दिया सेंटर, और इसको मैं अब कर दूंगा रिफ्रेश, तो ये सेंटर में आ गया। तो क्या किया मैंने, इस पैराग्राफ का बिहेवियर को चेंज कर दिया, पैराग्राफ का जो एट्रीब्यूट था, एट्रीब्यूट है ये पैराग्राफ का, या फिर आप प्रॉपर्टी कह लो, पैराग्राफ का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, या एट्रीब्यूट आप कह लो, एट्रीब्यूट ही ऐसे तो बोला जाता है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट दे देते हैं हम, फिर बराबर का साइन दे करके डबल कोट में वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया, ये आ गया सेंटर में, करेक्ट। तो ये चीजें हम चाहें तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से रन टाइम में हम इसको सेंटर में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो बेसिक जैसा चीज हम पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, इसको लाना चाहता हूँ सेंटर में, राइट। तो सेंटर में लाना चाहता हूं तो कैसे लाऊंगा, सबसे पहले तो ये है हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हमको डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो डॉक्यूमेंट लिख दूंगा, फिर डॉट लगाऊंगा। अब डॉक्यूमेंट के बाद इसको कैसे, डॉक्यूमेंट का मतलब तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है ना, सिर्फ मैं इतने को कैसे आइडेंटिफाई करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पकड़ना पड़ेगा या फिर इसको बुलाना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में हैं, ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर में है या क्लास में है, और मुझे या फिर आपको किसी व्यक्ति को एक बुलाना है आपको अपने क्लास में, या फिर किसी स्टूडेंट को उठ खड़ा करके कुछ सवाल पूछने हैं उससे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस व्यक्ति का, उस स्टूडेंट का नाम जानना जरूरी है ना आपके लिए, या फिर नाम जानना जरूरी है, या फिर वो कहाँ बैठा है, फिर कॉलम और रो बताएंगे कि इस कॉलम इस रो में बैठा हुआ स्टूडेंट खड़ा हो जाए। कहने का मतलब ये कि आपके पास सब स्टूडेंट हैं, सब स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट से आपको कुछ पूछना है या बुलाना है तो क्या करेंगे, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आप बुलाएंगे नाम के माध्यम से, या किसी भी तरह से आप उसको बुलाएंगे, पकड़ेंगे उसको किसी तरह से। तो ठीक उसी तरह से इतने सारे HTML एलिमेंट या इतने सारे HTML टैग के बीच में से हमें इस टैग को बुलाना पड़ेगा अपने पास। पहले बुलाऊंगा तब तो कहूंगा भाई तू अपना एट्रीब्यूट को क्या कर, सेंटर में कर दे, ताकि ये सेंटर में दिखाई दे, अभी तो सेंटर में है तो कुछ नहीं आएगा, तो बुलाना पड़ेगा मुझे, मतलब इसे पकड़ना पड़ेगा मुझे। कैसे पकड़ूंगा, तो पकड़ने के लिए हमारे पास होता है सेलेक्टर, करेक्ट। HTML के किसी भी एलिमेंट को या HTML के किसी भी टैग को सेलेक्ट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट हमें क्या,
क्या देता है? सिलेक्टर। जावा स्क्रिप्ट हमें सिलेक्टर देता है, राइट? जैसे टाइटल को हमें पकड़ना है, बुलाना है, सेलेक्ट करना है, टाइटल को हमें सेलेक्ट करना है, या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, या कुछ भी सेलेक्ट करना है, कोई भी टैग सेलेक्ट करना है, तो हमें सेलेक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ मेथड हैं। जैसे आप जावा में क्या करते हैं, जावा के क्लास में का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप, और उसी ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर मेथड है, डॉट ऑपरेटर से जो एक्सेस हो जाएंगे डॉट लगा करके। तो ये कुछ मेथड हमें प्रोवाइड करता है, उस मेथड के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो तरीका क्या है सेलेक्ट करने का, कई सारे तरीके हैं सेलेक्ट करने के, मैं बारी बारी से एक बार में कुछ तरीके बता देता हूँ, जो भी तरीके हैं, ठीक है? तो पहला तरीका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सेमीकॉलन मैंने दे दिया यहाँ पे किनारे आके। मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट के बाद डॉट, फिर गेट, एलिमेंट का ई कैपिटल होगा, बी बाई का बी कैपिटल होगा, और आईडी का आई कैपिटल होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जावा के जैसा ही ये भी कैश सेंसिटिव होता है, और जावा में कैमल कैश का इस्तेमाल होता है मेथड के लिए, यहाँ पे भी मेथड के लिए कैमल कैश का ही इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे दूंगा आईडी, और आईडी में क्या लिख देता हूँ, नेम। मैंने इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, नेम लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, नेम, मतलब ये पैराग्राफ के अंदर मेरा नेम है, और एट्रीब्यूट क्या दे दिया, आईडी। तो आईडी, जब आईडी क्या करता है, आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप, जैसे मान लीजिए भारत देश में कुछ 140 या 130 करोड़ नागरिक हैं, सबको एक नाम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो तो होगा, यूनिक आईडी होगा जिससे आइडेंटिफाई किया जाए, तो क्या होगा, वो वोटर आईडी हो सकता है, या फिर आधार कार्ड हो सकता है। आधार कार्ड के जरिए भारत देश के जितने नागरिक हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया लिया जाता है। तो ठीक उसी तरह से पूरे HTML डॉक्यूमेंट में हमें किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी एट्रीब्यूट के सहारे आईडी दिया जाता है, ये क्योंकि इस टैग के सहायता से हम नहीं पकड़ सकते। यहाँ पे पी तो बहुत सारे टैग का पी होगा, तो पकड़ तो सकते हैं हम टैग के सहायता से भी, लेकिन जब आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तब आईडी का मदद आप लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा आईडी, नहीं, सॉरी, आईडी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, मुझे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना था, तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी किया, और फिर यहाँ पे क्या किया, नेम लिख दिया। नेम क्यों लिखा, क्योंकि इस पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है, और इस पैराग्राफ का आईडी क्या है, नेम है, जाहिर सी बात है, नेम है। और वही मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट बाई आईडी। एलिमेंट का मतलब क्या, ये जो भी HTML में टैग है उसे एलिमेंट कह दिया गया, राइट? तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब है टोटल होम पेज, पूरा HTML पेज, और HTML पेज के अंदर से क्या करो, गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब गेट करो एलिमेंट किसके द्वारा, आईडी के द्वारा। आईडी बता दो जी क्या है, तो आईडी नेम है। आईडी नेम किसका है, इस एलिमेंट का, मतलब इस टैग का आईडी है नेम। हमने क्या किया, यहाँ पे नेम पास कर दिया, अब हमारा ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन सेलेक्ट तो हमने कर लिया, तो क्या करेगा, ये रिटर्न तो करेगा कुछ, ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, इस पैराग्राफ को रिटर्न करेगा। अब इस पैराग्राफ को रिटर्न करेगा तो हमें रखना तो पड़ेगा ना कहीं, नहीं रखेंगे हम, रखना पड़ेगा कहीं। तो क्या करेंगे हम, रखेंगे लेट पी नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और पी में रख दिया। अब हम प्रिंट करके देखते हैं, रिकॉर्डिंग मेरा चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो हम पी में रख देंगे पैराग्राफ में, कंसोल, क्या मैं लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे लिख कर दिया कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी, पी को पास कर दिया।
ये काहे परचेस करने के लिए बोल रहा है, इसको मालूम नहीं कि हम भारत वाले हैं, फ्री में सामान खरीदना चाहते हैं। मैं कर देता हूं इसको रन। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया ना, जैसे यहाँ पे माउस होवर कर रहा हूं तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए, तो ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। तो एक सेलेक्टर क्या है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो आईडी के द्वारा जब आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, आईडी का इस्तेमाल करेंगे। मैं बाकी सेलेक्टर जो है वो भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, और जरूरत के अनुसार हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्टर में एक ही साथ बता देता हूँ टोटल आपको। अगला क्या सेलेक्टर है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अगला कौन सा सेलेक्टर है, तो देखिए किसी सीक्वेंस से नहीं है, आप किसी भी तरह से कोई भी पढ़ सकते हैं। मैं अगला एलिमेंट क्या लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं, बाई टीएजी टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ये कैसे एलिमेंट को गेट करता है, टैग के सहायता से, नाम से स्पष्ट है, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। यहां हम क्या करेंगे, टैग पास कर देंगे पी, यहाँ पे पी टैग है, लेकिन गेट एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट्स आप करिएगा यहाँ पे। ठीक, अब सही हो गया है। तो अब मैं रन कर, अच्छा रन बाद में करूंगा। गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, टैग नेम पी डाल दिया। तो क्या एक HTML डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पैराग्राफ टैग होगा क्या, क्या कहते हैं आप लोग, एक ही पैराग्राफ टैग तो नहीं होगा ना, अनेकों पैराग्राफ टैग होंगे, राइट। मैंने क्या किया, अनेकों पैराग्राफ टैग बना दिया, और कंट्रोल दबाऊंगा, यहाँ पे भी लाऊंगा कर्सर, यहाँ पे भी लाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट, राइट एरो लेफ्ट एरो दबाया, सेलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया, सेव किया। तो गेट एलिमेंट्स का क्या मतलब है, एलिमेंट्स रिटर्न करो, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स मतलब एरे के फॉर्म में। तो ये सारा पैराग्राफ हमें सेलेक्ट हो जाएगा टैग नेम के द्वारा, तो हम एलिमेंट को टैग नेम के जरिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए अब क्या आ गया, HTML का कलेक्शन, और उस HTML के कलेक्शन में क्या आ गया, तो ये देखिए पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, तो ये एरे के फॉर्म में आ गया, राइट। आपने एरे पढ़ा हुआ है, मुझे पहला वाला एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पी ए पैरा वन, मैंने पैराग्राफ वन है, पैरा टू, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, पैरा थ्री कर दूंगा, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे जीरो एक्सेस करूंगा तो कौन सा एक्सेस होगा, ये वाला एक्सेस होगा, वन एक्सेस करूंगा तो ये वाला एक्सेस होगा, टू एक्सेस करूंगा तो ये वाला एक्सेस होगा। यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है, क्यों, क्योंकि ये टैग तो एक से ज्यादा हो सकता है डॉक्यूमेंट में, और जब एक से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, एरे के फॉर्म में ये रिटर्न कर देगा, ये आ जाएगा इसमें एरे, और यहाँ पे हम एक्सेस कर लेंगे इसको। मैं रन कर दूं, देखिए आ गया, आ गया ना पैरा वन। अब यही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूं वन तो क्या आ जाएगा, पैरा टू आ जाएगा, ये देखिए पैरा टू आ गया ना। तो इस तरह से जो है टैग नेम के सहायता से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है, अगला ये है, अगला क्लास नेम के सहायता से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले ही वेरिएबल को कॉपी किया और यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे मैंने टू लिख दिया। अब क्लास नेम के सहायता से कैसे एक्सेस करेंगे, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम था, इसको मैं हटा दूंगा यहां तक, एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, यहां पे भी एलिमेंट्स ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट को तब हम क्या देते हैं, आईडी, तब हम आईडी एट्रीब्यूट दे देते हैं, लेकिन जब हमें एक से ज्यादा एलिमेंट को एक ही क्लास देना होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट को एक ही सॉरी एक से ज्यादा एलिमेंट को एक ही आइडेंटिफिकेशन हमें देना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम, वहां पे क्लास लिखा जाता है,
तो यहाँ पे दे दिया मैं पीए माने पैराग्राफ, राइट, क्योंकि मुझे एक ही नाम से एक से ज्यादा लोगों को एक्सेस करना है। जैसे मान लीजिए एक क्लास हो जाता है बीसीए का, एक क्लास हो जाता है एमसीए का, एक क्लास हो जाता है एमटेक बीटेक का, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्लास के माध्यम से जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेलेक्टर हो गया। अब क्लास भी एक से ज्यादा एलिमेंट को दिया जाता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आईडी दिया जाता है, और एक से ज्यादा एलिमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है तो क्या दे देते हैं हम, क्लास नाम का एट्रीब्यूट दे देंगे। अब एक से ज्यादा एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा मतलब एरे के फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा, तो लिखना पड़ेगा गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। यहाँ पे मैं क्या क्लास दे दूंगा, पी ए पैराग्राफ। अब इसी पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जब इसको प्रिंट करूंगा तो ये भी जो है सेम तरीके से, देखिए पी के बाद डॉट लगा के पी ए लिखा है मतलब पैराग्राफ है, देखिए सेलेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी मैं एरे के फॉर्म में यहाँ पे मैं 2 दे दूंगा तो क्या होगा, कौन सा एक्सेस होगा, 1 नहीं 0 1 2, तो पैरा 3 वाला एलिमेंट हमारा एक्सेस हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए आ गया। तो इस तरह से हम एक्सेस कर लेंगे। तो ये आपने कितने तरह का सिलेक्टर देखा, एक आईडी के सहायता से, एक टैग नेम के सहायता से, एक क्लास के सहायता से, ये 3 तो काफी हैं। लेकिन एक सिलेक्टर मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो आखिरी है P3 नाम से वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और दूसरे वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, ये आखिरी सिलेक्टर है। इसके बाद हम फिर सिलेक्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, QUERY, फिर सेलेक्टर, ऐसे क्वेरी सिलेक्टर लिखेंगे और यहाँ पे दे देंगे सेमी कॉलन। मैं एक पैराग्राफ ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैंने आईडी दूंगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी, और आईडी में दे देता हूँ नेम। अब क्वेरी सेलेक्टर से हमें कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आएंगे डबल कोट लिखेंगे। अगर हमें कोई क्लास सेलेक्ट करना है, इसको मैं हटा दूंगा, अगर मुझे कोई क्लास सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करूंगा, डॉट लगाऊंगा और फिर क्लास का नाम लिखूंगा जैसे पी ए। तो क्वेरी सेलेक्टर के माध्यम से क्लास भी सेलेक्ट होगा और आईडी भी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्लास, और क्लास कैसे लिखेंगे, डॉट के साथ। क्लास को क्वेरी सेलेक्टर के माध्यम से अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमें डॉट के बाद क्लास लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा P3 और यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट। तो ये देखिए आ गया। और फिर अगर यहाँ पे मैं आऊंगा और क्या लिख दूंगा, डॉलर और फिर लिख दूंगा नेम, सॉरी डॉलर नहीं हैज है, डॉट नेम हो गया। अब यहाँ पे नेम हमारा एक्सेस हो गया। तो इस तरह से जो है आप क्वेरी सेलेक्टर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे। अब एक चीज अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने शायद जल्दी कर दिया, कि क्वेरी सेलेक्टर के मदद से जब मैंने क्लास को सेलेक्ट किया तो ये क्या किया, पहला वाला हमें दे दिया। इस तरह से ये पहला वाला हमें दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेरी सिलेक्टर्स लिख दूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे रन कर दूं तो क्या हो गया, एरर बोलने लगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टर्स नहीं है कि मल्टीपल हो जाए। तो इतना तक तो हाँ, ये पहले को ही सिलेक्ट करता है, ये पहले को ही सिलेक्ट करता है, ये देखिए पहले, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया स्पेलिंग, ये पहले को ही सिलेक्ट करता है। क्या कह रहे हैं, चलिए चलिए मैंने इसको कर दिया गायब, राइट, और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे पीए कर दिया, सेव कर देता हूँ। और अब आप यहाँ पे आके देख लीजिए पैराग्राफ 2 आ गया। तो ये पहले वाले को कर लिया सेलेक्ट जो है,
हाँ, आईडी हमें जब सेलेक्ट करना है तो हैज हैज से डिनोट करना है, पहले हैज लिखना है फिर नाम लिख देना है आईडी का, लेकिन क्लास है तो पहले डॉट लगाना है, यही है करेक्ट। आगे चला जाए, कोई कंफ्यूजन इसमें? और चलिए अब हम क्या करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पाया, आप दोबारा पूछेंगे क्या? नहीं, पहला वाला सेलेक्ट किया ना आप, ये कहना चाह रहे हैं क्या? पहला ही सेलेक्ट करेगा। हाँ, ये पहला ही सेलेक्ट करेगा। ये देखिए, जैसे मैं टैग नेम भी दे देता हूं तो ये पहला ही करेगा। यहां पे नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये पहला ही सेलेक्ट करेगा। ये देखिए, मैंने एरे यहां पे दे दिया था। P,1 ऐसे कह रहे हैं क्या? ऐसे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं रन कर देता हूं आपके सामने, ये देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आप या तो टैग नेम दे दें, या फिर क्लास नेम दे दें, या फिर टैग नेम में कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। क्लास नेम दे देंगे तो डॉट के साथ क्लास नेम देंगे, और आईडी अगर सेलेक्ट करना है तो हैज के साथ सेलेक्ट करेंगे, परंतु एक एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट के लिए। हाँ, मल्टीपल एलिमेंट के आपके लिए क्लास है। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप? सीएसएस का सिलेक्टर, सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे सीएसएस हम लोग अप्लाई। तो अगर सिंगल एलिमेंट करना है तो आप गेट एलिमेंट बाई आईडी करेंगे, मल्टीपल करना है तो आप या तो टैग के अनुसार करें, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहां पे टैग के अनुसार सिलेक्शन किया जा सकता है तो आप टैग के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिर मान लीजिए कि आप जैसे क्लास के द्वारा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लास के मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं।